साइज बढ़ाने का सबसे आसान तरीका। मुझे पता है आप यही वीडियो ढूंढ रहे थे और काफ़ी समय से आपको ये वीडियो नहीं मिल रही थी, तो चलिए बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ और काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ऐसा कौन सा तरीका है ना जिसमें झंझट ना हो, गोली ना खानी पड़े और साइज लेंथ में भी और गर्थ में भी, मतलब मोटाई और लंबाई दोनों बढ़ जाए? कैसे हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है या सिर्फ झांसा दे रहे हो? क्या है ये? चलिए बात करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है इसलिए पूरा अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करो। तो चलिए जानने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सा आसान तरीका है ना जिससे मेरा साइज़ और ये सब बढ़ जाए। तो सबसे पहले एक ही आसान बात के बारे में बात करूँगी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद आप अपने साइज़ को अत्यधिक मात्रा में नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको लगता है कि आज मेरा साइज़ को 4 या 5 इंच है, तो आप दुनिया कोई भी दवाई ले ले, वो आपका साइज 7 से 8 इंच, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज पॉसिबल नहीं है। येस, इफ़ यू आर अर्ली 20s एंड मिड ऑफ 20s, लेट्स से 25-26 के एज पर है, तो आप डेफिनेटली अच्छा हाइजीन मेंटेन करके और ओवर मास्टरबेशन को रोक के अपने साइज में थोड़ा सा इजाफा कर सकते हैं। साथ साथ जिन लोगों को लगता है कि वो 40s-50s में भी बढ़ा सकते हैं, तो दैट इज़ अ कंप्लीट मिथ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप बढ़ा सकते हैं तो अपना इरेक्शन बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो अपना टाइम बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं तो अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ताकि उस पैशन से मैं कैसे अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर सकूं, बढ़ा सकते हैं तो टेक्निक्स लर्न कर सकते हैं जो कि बेबी साइज बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। साथ साथ के लिए आप चाहें तो कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो कि आपके पेनाइल एरिया को मसाज करने में हेल्प करती हैं। वो एक्सरसाइजेस के लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बट सबसे आसान तरीका लाया करता है अपने माइंड को बदलने का। चेंज योर माइंड एंड एक्सेप्ट कि जो है जैसा है वो बहुत अच्छा है। इसके लिए मुझे बहुत तगड़ी तगड़ी गोलियां लेना या खुद को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। ओनली एंड ओनली अगर आपका साइज इरेक्शन में 3 इंच से भी कम है, तभी आपको सर्जरीज या कोई इम्प्लांट्स की ज़रूरत है। अदरवाइज आपको सिर्फ एस्थेटिक पर्पज, सिर्फ दिखाने के लिए या बताने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्जिनल इंक्रीज चाहते हैं, जो आपको लगता है पहले था लेकिन अब नहीं है, पहले सब ठीक था लेकिन अब श्रिंक हो रहा है, पहले ठीक था लेकिन इधर उधर हो गया है, लेफ्ट और राइट साइड टर्न हो गया है, ऐसे में एक अच्छे ऑयल से मसाज करना सबसे आसान तरीका होता है। ऐसा ऑयल जिसके अंदर लौंग हो, अश्वगंधा हो, शिलाजीत हो, रेकमेंडेड हो, प्लस 1 या 2 ड्रॉप्स में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हो, तो डेफिनेटली उस ऑयल का इस्तेमाल करें। नेचर मेनिया लिफ्ट अप ऑयल इज़ द बेस्ट अमंग दिस कैटेगरी, हाइएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, प्लस ट्रस्ट है लोगों का इस प्रोडक्ट पे। कॉस्टली बिल्कुल नहीं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, एक बॉटल कैन गो टू 2-3 मंथ्स, तो डेफिनेटली इसे ट्राई करें एंड आई एम श्योर कि कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि मैम आई रियली लाइक द प्रोडक्ट। सबसे आसान तरीका है रेगुलरली मसाज करें। अब आप बोलेंगे मैम इसके लिए सरसों भी आता है, कोकोनट भी आता है, वैसलीन भी आता है, बट इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड एंड इट डजंट गारंटी इंक्रीज इन साइज। ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑयल मसाज ऑलवेज इंक्रीज ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इरेक्शन बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा and you'll feel more comfortable and confident। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए कनेक्टेड रहें।